आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो ये है कि हाउ टू कंप्यूट फिजिकल एड्रेसेस यूजिंग लॉजिकल एड्रेसेस इन सेगमेंटेड मेमोरी जब सेगमेंटेड मेमोरी की बात हो रही है और वहाँ पे हमसे कहा जाए कि लॉजिकल एड्रेस दिया जा रहा है और इस लॉजिकल एड्रेस को इसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस पर मैप कराना है दूसरे शब्दों में हमें लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को जनरेट कराना है आज के इस लेक्चर में कब जब हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी के बेसिक्स को डिस्कस करें तो एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हम लोगों ने पांच पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सब रूटीन्स हैं स्टैक है सिंबल टेबल है स्क्वायर रूट नाम का मेथड है और एक मेन प्रोग्राम है तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है जिसको प्रोग्रामर एक सिंगल एंटिटी के तौर पे देख रहा है बेसिकली उसमें पांच इंटिटीज़ और हैं और वो इंटिटीज जो हैं अलग अलग साइज की हैं जब भी हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी की बात करेंगे तो हर सेगमेंट को हम लोग एक नंबर असाइन करेंगे और उसी सेगमेंट नंबर का इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं और सेगमेंट नंबर का ही इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली मेमोरी को मैनेज करने के लिए करता है तब जब हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी यूज़ कर रहे हों तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि जो सब रूटीन्स हैं उसको जो है सेगमेंट नंबर जीरो मिला हुआ है स्टैक को सेगमेंट नंबर वन मिला हुआ है सिंबल टेबल को सेगमेंट नंबर टू मिला हुआ है स्क्वायर रूट नाम का जो मेथड है उसको सेगमेंट नंबर थ्री मिला हुआ है और जो मेन प्रोग्राम है उसको सेगमेंट नंबर फोर मिला हुआ है तो जब भी हम लोग बोलेंगे सेगमेंट नंबर जीरो मीन्स जीरो मतलब क्या सब रूटीन्स वन मतलब स्टैक टू मतलब सिंबल टेबल स्क्वायर रूट मतलब सेगमेंट नंबर थ्री डेट इज थ्री और मेन प्रोग्राम मतलब सेगमेंट नंबर फोर डेट इज फोर तो ये जो भी पांच इंटीटीज़ दिख रही हैं उन पांचों इंटीटीज़ की साइज़ जो है वो अलग अलग है हम लोगों ने अलग अलग साइज की बात सेगमेंटेशन में इसीलिए की है क्योंकि पेजिंग का एक ड्राबैक हम लोगों ने देखा था कि पेजिंग जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है देती है क्योंकि वहाँ पे हर पेज का साइज़ क्या होता है सेम होता है जबकि जब हम लोग सेगमेंटेशन की बात करते हैं सेगमेंटेड मेमोरी की बात करते हैं तो हर सेगमेंट के लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है इसलिए बेहतर है कि जिसको जितनी जरूरत है उतनी ही मेमोरी उस पर्टिकुलर सेगमेंट को दी जाए अब यहाँ पे इस डायग्राम में सेगमेंट टेबल मेंटेन हो रहा है और जैसा कि मैंने कहा कि जो भी सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को हम लोग नाम से नहीं जानेंगे उनको हम लोग जानते हैं सेगमेंट के नंबर्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो सेगमेंट टेबल दिख रहा है इसमें पांच इंट्रीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर इस सेगमेंट टेबल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस सेगमेंट टेबल में दो इंटिटीज़ हैं पहली इंटिटी जो है वो लिमिट है और दूसरी इंटिटी जो है वो बेस है और बगल में हम लोगों को एक फिज़िकल मेमोरी दिख रही है आगे के स्लाइड्स में हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सेगमेंट जो है इस फिजिकल मेमोरी में स्टोर किए जा रहे हैं इस स्लाइड में हमने सेगमेंट टेबल का एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है और यहां पे यह बताने की कोशिश की गई है कि सेगमेंट टेबल के दो पार्ट होते हैं एक को हम लोग लिमिट बोलते हैं और एक को हम लोग बेस बोलते हैं बेस जो है वो बताता है कि हमारा जो सेगमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीन्स इट टेल्स अबाउट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट लिमिट ये बताता है कि हमारा जो सेगमेंट है उसका वैलिड एड्रेस कहाँ तक है इट मीन्स इट टेल्स अबाउट द वैलिड एड्रेस स्पेस ऑफ द सेगमेंट हर प्रोसेस का अपना सेगमेंट टेबल होता है और ये सेगमेंट टेबल हर प्रोसेस का अलग अलग है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने पेजिंग में डिस्कस किया था जैसे हर प्रोसेस के पास अपना पेज टेबल होता है उसी तरीके से जब हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी की बात करते हैं तो हर एक प्रोसेस के पास अपना एक सेगमेंट टेबल होता है अच्छा जब हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी की बात कर रहे हैं तो जैसा कि उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे हम लोगों को बेस और लिमिट मिला हुआ था तो बेस और लिमिट का इस्तेमाल जहाँ कहीं भी दिखे तो आप सीधे समझ जाइए कि हम लोग मेमोरी फेंसिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेमोरी फेंसिंग टेक्निक क्या है कि इट इज़ एन ओल्डर टेक्निक विच इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस टू एसेस ओनली द एड्रेस स्पेस विच इज़ ओनली वैलिड टू द प्रोसेस यानी जिस किसी प्रोसेस का जो भी वैलिड एड्रेस स्पेस है प्रोसेस केवल अपने वैलिड एड्रेस स्पेस को एसेस करें इस काम को करने के लिए बहुत पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी फेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल होते हुए आया है और वही मेमोरी फेंसिंग टेक्निक हम लोग सेगमेंटेशन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बेस एंड लिमिट तो बेस क्या बता रहा है बेस बता रहा है कि हमारा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लिमिट बताएगा कि हमारा सेगमेंट इस बेस से आगे किस एड्रेस तक जाएगा अब जैसे कि हम लोगों ने पेजिंग के कंसेप्ट में देखा कि हर प्रोसेस के पास जो पीसीबी होता है उस पीसीबी के पास पेज टेबल के कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं ठीक है उसी तरीके से जो सेगमेंट टेबल हम लोग मेंटेन कर रहे हैं पर प्रोसेस यानी अगर हमारे पास 10 प्रोसेस हैं तो हर प्रोसेस के पास अपना सेगमेंट टेबल होगा तो सेगमेंट टेबल की कुछ बातों को कुछ इन्फॉर्मेशंस को अपने पास स्टोर करके रखने की ज़रूरत है तो जो पहली इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर यस टी बी आर एस टी बी आर क्या बताता है तो ये बेसिकली बताता है कि हमारा जो सेगमेंट टेबल है वो मेमोरी में किस लोकेशन पे रखा गया है और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर ये बताता है कि हमारे पास जो सेगमेंट टेबल है उस सेगमेंट टेबल में कितनी इंट्रीज़ जो है हैं जैसे कि हम लोगों ने एरे के केस में देखा था कि एरे का जो नाम होता है वो एरे का बेस एड्रेस देता है मसलन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इंट ए ऑफ़ साइज फाइव तो हम अगर एक इंटीजर टाइप का एरे ले रहे हैं जिसका नाम ए है और उसकी साइज़ पाँच है तो हम लोग बोलेंगे कि नेम ऑफ एरे गिव्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे तो हम लोगों को पता है कि सी के कांटेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एरे का जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से लेके एक कम तक मतलब अगर एरे की साइज पाँच है तो जो इंडक्स होंगे वो स्टार्ट होंगे जीरो से लेकर चार तक तो एरे ए आफ जीरो एफ वन एफ टू ऑफ थ्री एंड ए आफ फोर तो अगर हम लोगों को ये पता हो कि हमारा एरे मेमोरी में किस जगह पे रखा गया है और दूसरी इन्फार्मेशन हमें ये पता हो कि हमारे एरे की साइज़ क्या है तो हम एरे में जो भी वैलिड एड्रेसेस हैं उनको कंप्यूट कर सकते हैं मसलन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया उस एग्ज़ाम्पल में मैंने एरे ए को बताया है और जिसकी साइज पाँच है तो अगर हम ये मान लें कि एरे का बेस एड्रेस एक से स्टार्ट हो रहा है तो एक एड्रेस होगा एरे ए आफ ज़ीरो का ए ऑफ वन का एड्रेस क्या होगा तो एक हज़ार दो होगा ए आफ टू का एड्रेस क्या होगा एक हजार चार होगा ए आफ थ्री का एड्रेस क्या होगा एक हजार होगा और एफ फोर का एड्रेस क्या होगा तो एक हजार आठ होगा अब हम ये कहें कि हमारा जो एरे ए था तो उसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है एक हजार से और उसके लास्ट इंडेक्स का एड्रेस क्या है तो वो है एक हजार आठ यानी अगर हमको बेस और लिमिट बेस और साइज अगर पता हो तो हम लोग एरे का हर एक इंडेक्स का एड्रेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जो हमारा सेगमेंट टेबल है जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है उसका स्टार्टिंग लोकेशन क्या है और व्हाट इज़ द साइज ऑफ़ द सेगमेंट टेबल यानि हमारे सेगमेंट टेबल में कितने सेगमेंट की एंट्री हुई है ये इंफॉर्मेशन एस फील्ड में रखा जाएगा अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर प्रोसेस के पास अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को कई बार हम लोग टी यानी टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं तो इसी पी में एस और एस की एंट्री होगी अच्छा दूसरी बात जो यहाँ ध्यान देने लायक है वो ये है कि सेगमेंट टेबल में जो सेगमेंट की एंट्रीज होती हैं, ये इंट्रीज हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में की जाती हैं। मसलन सेगमेंट जीरो से स्टार्ट होगा सेगमेंट जीरो फिर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है उस लॉजिकल एड्रेस को हम लोग दो टपल में अब डिवाइड करेंगे पहले को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट नंबर और दूसरे को बोलेंगे आपसेट तो जो सेगमेंट नंबर है लिटरेचर में उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो ऑपसेट है उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं अब यहां पे जो डाइग्राम है इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा जो सी है वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा रहा है जैसा कि पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा हम लोगों ने देखा कि जो लॉजिकल एड्रेस है उसको हम लोग दो टपल में डिवाइड कर रहे हैं यस yes और डी तो यहाँ पे उस लॉजिकल एड्रेस को यस yes और डी सेगमेंट नंबर और आपसेट के फॉर्म में दिखाया गया है हमारे प्रोसेस का जो सेगमेंट टेबल है उसमें दो इंट्रीज़ हैं दो इंटिटीज़ हैं एक को हमने बोला है लिमिट और एक को बोला है बेस अब सी ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराया है उसमें से हम लोग सेगमेंट नंबर को उठाएंगे और सेगमेंट नंबर को सर्च करेंगे अपने सेगमेंट टेबल में सेगमेंट टेबल में जब हम लोग हम लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू है उस लिमिट की वैल्यू को हम लोग डी से कंपेयर कराएंगे अगर ये डी डेट इज़ द आप ऑपसेट इज लेस देन द लिमिट ऑफ दैट सेगमेंट नंबर देन हम लोग बेस एड्रेस और ऑपसेट डी को जोड़ के फिजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी का एड्रेस जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और अगर ये कंपेरिजन फॉल्स होता है तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम एक एड्रेस एरर रिपोर्ट करेगा मसलन जो शुरुआत में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के पांच पार्ट थे सब रूटीन था स्टैक था सिंबल टेबल था मेन प्रोग्राम था और स्क्वायर रूट नाम का मेथड था तो यह जो सेगमेंट टेबल दिख रहा है इसमें सेगमेंट नंबर जीरो पे जो एंट्री है वो एक हजार की है और जो बेस पे एंट्री है वो चौदह सौ की है ठीक है यानी जो हमारा सेगमेंट नंबर जीरो था सेगमेंट नंबर जीरो किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा तो उसका बेस क्या है तो बेस है वन फोर डबल जीरो यानी सेगमेंट नंबर जीरो हमारा स्टार्ट हो रहा है एड्रेस वन फोर डबल जीरो से और ये सेगमेंट जीरो कहाँ तक जाएगा तो हम लोग वन फोर डबल ज़ीरो में जो लिमिट की वैल्यू है सेगमेंट नंबर जीरो के लिए उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टू फोर डबल जीरो उसी तरीके से हम लोग अगर सेगमेंट नंबर थ्री की बात करें तो सेगमेंट नंबर थ्री का जो स्टार्टिंग एड्रेस है जो बेस एड्रेस है वो है थ्री टू डबल जीरो यानी सेगमेंट नंबर थ्री स्टार्ट होगा थ्री टू डबल जीरो से और सेगमेंट नंबर थ्री के लिए जो लिमिट की वैल्यू है ये है वन वन जीरो जीरो तो सेगमेंट नंबर थ्री कहां पे खत्म होगा तो वो एड्रेस होगा फोर थ्री जीरो जीरो यानी अगर हम ये कहें कि सेगमेंट नंबर जीरो के लिए वैलिड एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है तो सेगमेंट नंबर जीरो के लिए वैलिड एड्रेस एक हज़ार चार सौ से लेकर चौबीस सौ तक है इसी तरीके से सेगमेंट नंबर थ्री का जो एड्रेस स्पेस है वो कहाँ से कहाँ तक है तो थ्री टू डबल जीरो यानी बत्तीस सौ से लेकर फोर थ्री डबल ज़ीरो यानी चार हज़ार तीन सौ तक है अच्छा यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पाँचों के पाँचों सेगमेंट एक ही प्रोसेस के पार्ट हैं लेकिन फिजिकल मेमोरी में इन पांचों सेगमेंट को हम लोगों ने अलग अलग मेमोरी लोकेशंस जो है दिया हुआ है यानी यूज़र का व्यू भले ऐसा हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यूस मेमोरी में रख रहा है लेकिन इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सेगमेंट को अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर कर रहा है तो इस फिज़िकल मेमोरी में इन सेगमेंट्स को अगर देखा जाए तो ये चीज़ सीधे क्लियर हो जा रही है कि सेगमेंट्स आर प्टॉट इन कंटिन्यूस मैनर अब अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे चलते हैं कि हाउ टू कंप्यूट फिजिकल एड्रेस यूजिंग लार्जिकल एड्रेसेस इन सेगमेंटेड मेमोरी तो यहां एक क्वेश्चन दिया गया है वहां पे पांच सेगमेंट की बात हो रही है अपने पास सेगमेंट्स जो है सेगमेंट जीरो वन टू थ्री एंड फोर तो जैसा कि हमने कहा कि सेगमेंट टेबल में जो सेगमेंट्स की एंट्री होती है ये बाय नेम स्टोर नहीं होता है ये बाय नंबर स्टोर होता है और ये हमेशा असेंडिंग आर्डर में होते हैं तो ये असेंडिंग आर्डर हमको दिख रहा है जीरो वन टू थ्री एंड फोर सेगमेंट जीरो का जो बेस है वो टू वन नाइन है और इसका जो लेंथ है वो है सिक्स डबल जीरो सेगमेंट वन का जो बेस है वो टू थ्री डबल जीरो और लेंथ है वन फोर सेगमेंट टू के लिए जो बेस है वो है नाइन जीरो और लेंथ है वन डबल जीरो सेगमेंट थ्री के लिए जो बेस है वो है वन थ्री टू सेवन और जो लेंथ है वो है फाइव एट जीरो सेगमेंट फोर के लिए बेस बेस की जो वैल्यू है वो है वन नाइन फाइव टू और लेंथ की जो वैल्यू है वो है नाइन सिक्स अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वी हैव टू कंप्यूट द फिजिकल एड्रेसेस फॉर द लॉजिकल एड्रेसेस विच आर गिवेन एज जीरो फोर थ्री जीरो वन वन जीरो टू फाइव जीरो जीरो थ्री फोर जीरो जीरो फोर वन वन टू तो हम लोगों ने भी इस बात को देखा कि जो भी लॉजिकल एड्रेस सी जनरेट करेगा उस लॉजिकल एड्रेस को हम लोग दो टपल में ब्रेक करेंगे पहला टपल जो होगा वो होगा सेगमेंट नंबर और दूसरा जो टपल होगा वो होगा ऑफसेट तो यहाँ पे जो ये पांचों लॉजिकल एड्रेसेस दिए गए हैं इन लॉजिकल एड्रेसेस को मैंने सेगमेंट और आपसेट में डिवाइड किया है अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने जो लॉजिकल एड्रेस का लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसी को मैंने सेगमेंट नंबर क्यों रखा है तो इसका जवाब हम हम लोगों को यहाँ से मिलेगा कि जो भी सेगमेंट नंबर है, वो सेगमेंट नंबर सिंगल डिजिट के हैं तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी लॉजिकल एड्रेसेस दिख रहे हैं जीरो फोर थ्री ज़ीरो तो इसमें जो लेफ़्ट मोस्ट पहली डिजिट होगी वो हमारा सेगमेंट नंबर होगा यानी जीरो फोर थ्री जीरो में सेगमेंट नंबर जो होगा वो जीरो होगा और आपसेट जो होगा वो होगा फोर थ्री जीरो तो इस तरीके से हमने हर एक लॉजिकल एड्रेस को दो टपल यस और डी में डिवाइड कर दिया है और उनको सेगमेंट और आपसेट के फॉर्म में यहां पे लिख दिया है अब हम लोगों को मैपिंग करानी है तो मैपिंग किसकी होगी तो लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग होगी फिजिकल एड्रेस पे तो पहला प्रॉब्लम का पार्ट देखते हैं तो जो पहला लॉजिकल एड्रेस है वो है जीरो फोर थ्री जीरो तो जीरो फोर थ्री जीरो को हम लोगों ने सेगमेंट और ऑफसेट के फॉर्म में जब ब्रेक किया तो हमको क्या मिला सेगमेंट नंबर जीरो एंड ऑफसेट वैल्यू फोर थ्री जीरो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो डी है तो डी की वैल्यू क्या है फोर थ्री जीरो तो फोर थ्री जीरो को हम लोग सेगमेंट नंबर जीरो के लिमिट से कंपेयर करेंगे तो जो लिमिट है सेगमेंट नंबर जीरो की वो है सिक्स डबल जीरो तो फोर थ्री जीरो इज लेस देन सिक्स जीरो जीरो और ये ट्रू है यानी ट्रू होने का मतलब ये हुआ कि सी ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराया है इट इज़ अ वैलिड एड्रेस और अब हम लोग फिजिकल एड्रेस को जनरेट कराएंगे तो फिजिकल एड्रेस को जनरेट कराने के लिए करना क्या है तो हमें सेगमेंट ज़ीरो का बेस एड्रेस लेना है और उसमें आपसेट डी को जो कि लॉजिकल एड्रेस का पार्ट है उसको जोड़ देना है तो हमारे सेगमेंट नंबर जीरो का जो बेस एड्रेस था वो था टू वन नाइन और टू वन नाइन में फोर थ्री जीरो को ऐड कर दिया गया तो हमको क्या मिला फिजिकल एड्रेस सिक्स फोर नाइन इसी तरीके से दूसरे प्रॉब्लम को देखा जाए तो यहां पे जो लॉजिकल एड्रेस है वो है वन वन जीरो तो वन वन जीरो को जब हम लोगों ने दो टपल में डिवाइड किया तो हमको क्या मिला सेगमेंट नंबर वन और आपसेट की वैल्यू मिली टेन अब हम लोग सेगमेंट नंबर वन के आपसेट टेन को सेगमेंट नंबर वन के लिमिट से कंपेयर करेंगे तो सेगमेंट नंबर वन की जो लिमिट है वो है फोर्टीन चौदह तो टेन इज़ लेस देन फोर्टीन एंड इट इज़ ट्रू मीन्स सी पी यू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराया है ये लॉजिकल एड्रेस एक वैलिड एड्रेस है और अब हम लोग फिजिकल एड्रेस कंप्यूट करेंगे तो फिजिकल एड्रेस कंप्यूट करने के लिए क्या करना होगा तो बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट वन तो व्हाट इज द बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट वन इट इज़ टू थ्री ज़ीरो ज़ीरो और ये चीज़ हमारे प्रॉब्लम में दी गई है तो टू थ्री ज़ीरो ज़ीरो में हम लोग जो लॉजिकल एड्रेस वन वन ज़ीरो है उसका जो सेगमेंट ऑपसेट वाला पार्ट है ऑपसेट वाला जो एड्रेस है उसको ऐड कर देंगे तो हमको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा यानी टू थ्री जीरो जीरो में हम लोगों ने टेन को ऐड कर दिया तो हमको फिजिकल एड्रेस क्या मिला तो टू थ्री वन ज़ीरो अब हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ आए तो जो लॉजिकल एड्रेस दिया गया है इट इज़ टू फाइव ज़ीरो जीरो तो टू फाइव जीरो जीरो को अगर हम लोग दो टपल में डिवाइड करें तो सेगमेंट हमको क्या मिलेगा सेगमेंट नंबर टू और आपसेट की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फाइव ज़ीरो जीरो अब हम लोग इस डी को कंपेयर करें तो ये डी किसका डी है तो लॉजिकल एड्रेस टू फाइव जीरो जीरो के डी को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे कंपेयर करेंगे तो सेगमेंट नंबर टू के लिमिट से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो सेगमेंट नंबर टू का जो लिमिट है वो क्या है हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड इज लेस देस 100 एंड इट इज फॉल्स इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कराया है वो एक इनवैलिड एड्रेस है और जैसे ही इनवैलिड एड्रेस जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एरर जनरेट कर देगा अगले प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक अपने पास जो एड्रेस दिया गया है वो है थ्री फोर जीरो जीरो थ्री फोर जीरो जीरो को सेगमेंट और आपसेट में कन्वर्ट करिए तो सेगमेंट नंबर थ्री और आपसेट नंबर आपसेट का जो एड्रेस है फोर डबल जीरो अब यहाँ पे भी वही काम होगा हम लोग फोर डबल जीरो को सेगमेंट नंबर थ्री के लिमिट से यानी फाइव एट जीरो से कंपेयर करेंगे ये कंपेरिजन ट्रू हो रहा है डेट इज़ फोर डबल जीरो इज लेस दैन फाइव एट डबल जीरो सॉरी फाइव एट जीरो ये कंपरिजन ट्रू हुआ और इससे हमें क्या पता चला कि सी ने जो एड्रेस जनरेट कराया है ये एड्रेस एक वैलिड एड्रेस है नाउ वी कैन कंप्यूट द फिजिकल एड्रेस देन हाउ टू कंप्यूट द फिजिकल एड्रेस टेक द बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट नंबर थ्री एंड एट द वैल्यू ऑफ डी ऑफ द लॉजिकल एड्रेस विच इज़ फोर जीरो जीरो मीन्स फोर जीरो जीरो इज एडेड टू वन थ्री टू सेवन वाट इज वन थ्री टू सेवन वन थ्री टू सेवन इज द बेस्ट एड्रेस ऑफ सेगमेंट नंबर थ्री एंड वी हैव द फाइनल आउटकम वी हैव द फाइनल फिजिकल एड्रेस वी वी हैव अपटेंड एंड इट इज वन सेवन टू सेवन नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम तो जो अगला प्रॉब्लम है उसमें जो लॉजिकल एड्रेस है इट इज फोर वन वन टू नाउ स्प्लिट द लॉजिकल एड्रेस इनटू सेगमेंट एंड ऑफसेट वी हैव फोर एज सेगमेंट नंबर एंड वैल्यू इज वन वन टू नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस तो क्या होगा कंपेयर द डी ऑफ द लॉजिकल एड्रेस फोर वन वन टू विद इट्स लेंथ इन द सेगमेंट टेबल तो सेगमेंट नंबर फोर का जो लिमिट है उसकी वैल्यू है नाइन सिक्स कंपेयर करिए वन वन टू इज लेस देन नाइनटी सिक्स कंडीशन इज फाउंड फॉल्स इट मीन्स सीपी यू हैजनरेटेड एंड इन वैलिड एड्रेस एंड इन दिस केस ऑपरेटिंग सिस्टम विल जनरेट एंड एर डेट साल फॉर दिस सेशन और जो रिफ्रेंस है वो यहाँ पे मैंशन है तो अब मुझे लगता है कि सेगमेंटेड मेमोरी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे